हेलो बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने आपको सिखाया था, एंगल कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पहले मैं एक काम करूँगा, एक दो क्वेश्चन आपको उसके ऊपर बताऊँगा एक रिविज़न के तौर पर, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले हम रिवीजन के तौर पे दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेटा, दो प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर वन क्या है हमारे पास में, एक वेक्टर हमें दे रखा है और ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। बेटा दूसरा वेक्टर है हमारे पास में क्यू इज इक्वल टू माइनस के टू के कैप। देखो ध्यान से बेटा, देखिए जरा ध्यान से जल्दी से, हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम है p वेक्टर और एक वेक्टर का नाम है q वेक्टर, आपके सामने गिवन है ऑलरेडी। आपको बताना है कि इनके बीच में एंगल कितना बनेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमें इनके बीच में ना एंगल फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, चलो भाई करते हैं एंगल फाइंड आउट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है एंगल को फाइंड आउट करने का। बेटा फॉर्मूला है हमारे पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास में एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ए इंटू मॉड बी। चलिए भैया, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ए डॉट बी, सबसे पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए डॉट बी। देखो यहाँ सिर्फ के है ना, के आई नहीं है यहाँ पर और ना ही जे है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ के वाले की मल्टीप्लाई के वाले से हो जाती है बेटा। सिर्फ और सिर्फ के वाले की मल्टीप्लाई आप के वाले से कर देंगे तो ये निकल जाएगा माइनस फोर। ए डॉट बी हमारा निकल कर आ गया है बेटा माइनस फोर, ये हमारी ए डॉट बी की वैल्यू है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम निकालते हैं मॉड ए की वैल्यू, देखो क्या होगी मॉड ए की वैल्यू। ध्यान से जरा, यहाँ वन है, यहाँ वन है और यहाँ टू है, तो बेटा मॉड ए हमारे पास में आएगा वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन एंड टू स्क्वायर फोर, तो मॉड ए आ चुका है अंडर रूट सिक्स। अब हम निकालते हैं बेटा मॉड बी वेक्टर, देखिए मॉड बी वेक्टर कितना होने वाला है, के सामने सिर्फ माइनस दो लिखा है, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर, और फोर का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा टू। मॉड ए आ गया है अंडर रूट सिक्स और मॉड बी आ गया है टू और यह है ए डॉट बी। अब कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो बेटा आंसर बना हमारे पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद मॉड ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट सिक्स और मॉड बी कितना है टू। आपको पता है कि इसके बाद क्या करना है थीटा निकालने के लिए, पता है ना क्या करना है थीटा निकालने के लिए, कॉस को इधर से उठाकर उधर ले जाएंगे और वो बन जाएगा कॉस इनवर्स और वही हमारा आंसर बन जाएगा कि भाई इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये तो सिर्फ मैंने आपके एक रिविज़न के तौर पर, कल आपने पढ़ा था, आज आपकी नई क्लास है, कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम बताई है बेटा। अब बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये एग्जाम्पल नंबर टू, ये ए और ये कैप। अब याद करो, जिस वेक्टर के ऊपर कैप होती है उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं भाई, जिस वेक्टर के ऊपर कैप होती है उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। याद है ना बेटा, जिस वेक्टर के ऊपर कैप होती है उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमें कहा गया है ए कैप
इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। लो बेटा ये हमें कहा गया है और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नीट वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दे बेटा, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ये है हमारा यूनिट वेक्टर और वेक्टर हमें दिया गया है ये, और यहाँ से हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ज़रा देखो यार भाई, हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 के इक्वल होता है। बताओ जानते हो या नहीं जानते हो, ये है प्रॉपर्टी। यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 के इक्वल होता है, जानते हैं ना हम लोग इस बात को, बस वैसे ही करेंगे। इस वेक्टर का मॉड निकाल दो, कितना निकलेगा इस वेक्टर का मॉड, ज़रा देखो इस वेक्टर का मॉड कितना निकलेगा, अंडर रूट। आई के सामने क्या है, एक्स, तो ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर। जे के सामने क्या है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 1/4। के सामने क्या है, 1/3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/9, और ये हो गया बेटा 1 के इक्वल। इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। बेटा समझ में आ रही बात, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। अब हमें करना है इसे सॉल्व। बेटा एक एक पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, फिर हर एक पॉइंट पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4 - 1/9, ठीक है। अब बेसिक एलसीएम का काम है भाई और कुछ नहीं है। क्या एलसीएम आएगा बेटा, 36 आएगा एलसीएम, 9 और 4 का एलसीएम आएगा 36, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36, ये 9 और 4 13, यहाँ बचेगा 23 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास में प्लस माइनस अंडर रूट 23 अपॉन 36, दिस इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, मतलब आपकी ना बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए कि भाई बंदे को कितनी बेसिक नॉलेज है, उसके कंसेप्ट्स में कितनी क्लियरिटी है, उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, तभी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका वेक्टर को लेकर या अदर चैप्टर को लेकर फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपके कंसेप्ट्स के अंदर क्लियरिटी है, फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी आने वाली है बेटा, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखो बेटा, अब आता है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3। एक वेक्टर हमें यहाँ ये दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप, इसे बोलते हैं बेटा लैम्डा, लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस 2k कैप। समझ आ रही बेटा बात, ये हमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस के j कैप प्लस 3k कैप। लो बेटा ये दो वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं, एक है हमारे पास में a वेक्टर और एक है हमारे पास में b वेक्टर। अब देखो हम लोगों को क्या कहा गया है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है बेटा, ध्यान रखेगा। वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर a वेक्टर b के ना बेटा पैरेलल है, समझ आ रही है बात, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, एग्जाम में पहले भी इस तरीके का सवाल आ चुका है। देखो मैथ्स में जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ये 12th की मैथमेटिक्स में है ये चैप्टर,
लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम मतलब इतना डिटेल में नहीं जाते हैं जितना मैथमेटिक्स में जाते हैं। यहाँ तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। आगे चलकर जो क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर, उन्हें हम सॉल्व कर पाएँ, सिर्फ इतना ही वेक्टर हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोगों को एक वेक्टर दे रखा है ये, और दूसरा वेक्टर हम लोगों को दे रखा है बेटा ये, और हमें कहा है कि दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है स्टूडेंट, हमें ये बतानी है। तो बेटा दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए एक शर्त होती है, शर्त क्या है ये बताइए। आई के सामने क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, और यहाँ आई का कॉफिशेंट क्या है, 2। पैरेलल होने के लिए शर्त ये है कि लैम्डा को 2 से डिवाइड कर दो, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जे के सामने क्या लिखा हुआ है, म्यू, और यहाँ जे के सामने क्या लिखा हुआ है, -1। म्यू को डिवाइड कर दो -1 से, म्यू डिवाइडेड बाय -1। ठीक है बेटा, इसके बाद के सामने क्या लिखा हुआ है, 2, और यहाँ के सामने क्या है, 3। 2 को डिवाइड कर दो 3 से और आपस में इक्वल रख दो, इन्हें आपस में आप लोगों को रख देना है बेटा इक्वल। आई के कॉफिशेंट को आई के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है, जे के कॉफिशेंट को जे के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है, के कॉफिशेंट को के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है बेटा आप लोगों को। भाई किया आप लोगों ने डिवाइड, बिल्कुल किया, देखो ऐसी कंडीशन बन गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, और एक बार हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/3। सो बेटा लैम्डा की वैल्यू बन गई हमारे पास में 4/3। लैम्डा की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में वो निकल कर आएगी 4/3। अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे आपस में, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये बनेगा म्यू अपॉन -1, और यहाँ बनेगा हमारे पास में 2/3। देखो बेटा ये है म्यू अपॉन -1, और यहाँ है हमारे पास में 2/3, तो म्यू की वैल्यू निकल कर आएगी -2/3। म्यू हमारा बन गया है -2/3। लैम्डा की वैल्यू बन गई है 4/3, और म्यू की वैल्यू बन गई है -2/3। ये कंडीशन तब है बेटा जब दो वेक्टर होने वाले हैं हमारे पास में पैरेलल। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, और आपस में कर देंगे इक्वल। कर दिया इक्वल, उसके बाद यहाँ लैम्डा का टर्म है इसको हमने रखा इसके इक्वल, और एक बार इसको रखेंगे इसके इक्वल, तो आपका लैम्डा भी निकल जाएगा और आपका म्यू भी निकल जाएगा बेटा। आप लोगों ने 10th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चंस कर रखे हैं स्टूडेंट, आपने 10th क्लास में भी इस तरीके की प्रॉब्लम कर रखी है, तो ज़्यादा परेशानी आप लोगों को आएगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है। तो ये हमारे वेक्टर के पैरेलल होने के लिए कंडीशन है बेटा, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास में, भाई एग्जाम्पल नंबर 4 वैसे तो मैं करा चुका हूँ आप लोगों को एक बार, लेकिन आप लोग कहीं भूल ना जाएं इसीलिए मैं दूसरी बार ना रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके स्टूडेंट। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस के लैम्डा जे कैप माइनस के 1k कैप। लो भैया ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, ये हमारे पास में प्रॉब्लम है, ये 3 है बेटा। यहाँ पर हमें कहा कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बेटा ये सिचुएशन है हमारे पास में, ए वेक्टर हमें गिवन दे रखा है, बी वेक्टर हमें गिवन दे रखा है, और कहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के ना परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है।
तो हमें बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है, हमें ये बताना है कि लैम्डा कितना होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि कंसेप्ट है क्या हमारे पास में। भाई कंसेप्ट है हमारे पास में स्टूडेंट ये कि अगर दो वेक्टर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल रहता है। ये सिचुएशन हमारे पास में होती है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं भाई, बताइए सीखा है या नहीं सीखा है। यहाँ आई के सामने क्या है लैम्डा, यहाँ आई के सामने क्या है टू, मल्टीप्लाई करिए ये बन गया टू लैम्डा, यहाँ थ्री, यहाँ माइनस लैम्डा ये बन गया माइनस के थ्री लैम्डा, यहाँ थ्री ये माइनस वन ये बन गया माइनस के थ्री और ये हो गया जीरो के इक्वल। अब देखो बेटा यहाँ बचा हमारे पास में माइनस के लैम्डा, माइनस के थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में माइनस थ्री। लीजिए स्टूडेंट ऐसे हम कंडीशन बनाएंगे। तो काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं बेटा। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे विद द यूज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो हमने सिखा दिया है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं फिर क्या कंडीशन निकाल कर आप वैल्यूज़ निकालेंगे ये हमने आपको सिखा दिया है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप काम करेंगे ये हमने आपको सिखा दिया है बेटा। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और अगला कंसेप्ट हम जानेंगे कि क्या होगा। जल्दी से नोट करके आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास में क्या रहने वाला है, अगला कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना होगा, वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर बी पर कितना होगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये तो है हमारे पास में वेक्टर ए और मैंने मान लिया कि ये है हमारे पास में वेक्टर बी। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास में वेक्टर ए और ये है हमारे पास में वेक्टर बी, दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। इसका नाम है वेक्टर ए और इसका नाम है वेक्टर बी, समझ आ रही बेटा बात। अब आप एक काम करेंगे, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है ना ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बी पर। हमने ए से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने ए से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, दिख रही है बेटा लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी यही लंबाई हमारी कहलाएगी प्रोजेक्शन, इसी लंबाई को हम प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। अगर हमें, ध्यान से बात सुनिएगा बच्चों, अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी पर, ए का बी पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो हमने ए से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए से बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जिस पर मैं रेड मार्क कर रहा हूँ बेटा, ये जो लंबाई है हमारी, ये हमारी प्रोजेक्शन कहलाएगी और इस प्रोजेक्शन को हम डिनोट करने वाले हैं पी से, ये लंबाई हमारी प्रोजेक्शन कहलाएगी और इसे हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, अब कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन की वैल्यू, ए का बी पर प्रोजेक्शन होगा कितना। बेटा प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी। अगर आप ए का बी पर निकाल रहे हैं ना, जिस पर निकाल रहे हैं उसे नीचे रखेंगे आप लोग, जैसे हम ए का बी पर निकाल रहे हैं तो बी का मॉड करके डिनोमिनेटर में रखेंगे बेटा। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये है
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, अगर हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देखो इस बार मैंने ए को अपॉन में रखा है बेटा, रखा है ना ए को अपॉन में, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी जिस पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है वो हमें डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? यह है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और यह है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और प्रोजेक्शन के मायने क्या हैं ये हमने आपको यहाँ मायने बताए। एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, तो ये जो लंबाई है आप लोगों की यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम प्रोजेक्शन का नाम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, करिए नोट डाउन, फिर मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा कि भाई प्रोजेक्शन निकालेंगे कैसे हम लोग। ओके, चलिए बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं प्रोजेक्शन निकालना। नंबर वन क्वेश्चन हमारे पास में आता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 2k कैप। देखो बेटा ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बेटा बी पर निकालना है हमें प्रोजेक्शन, कहाँ निकालना है? बी पर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास में? फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी। बेटा बी पर निकालना है ना, बी पर, तो इसीलिए मॉड बी को हम रखने वाले हैं अपॉन में। मॉड बी को हम कहाँ रखेंगे? मॉड बी को हम अपॉन में रखेंगे, ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी। चलिए अब देखो आगे बेटा, ज़रा सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ए डॉट बी की। यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके सामने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आई के सामने क्या है? 1, और यहाँ आई के सामने क्या है? 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, ओके। यहाँ क्या है? प्लस 1, यहाँ प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3। यहाँ क्या है? 1, और वहाँ क्या है? -2, या आ गया -2, कैंसिल आउट, ए डॉट बी निकल गया हमारा 3। अब हमें चाहिए मॉड बी की वैल्यू। बेटा मॉड बी हम कैसे निकालेंगे? मॉड बी हम निकालेंगे अंडर रूट, यहाँ है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ गया बेटा हमारे पास में अंडर रूट 17। समझ रहे हैं बेटा? ये आ गया है हमारे पास में अंडर रूट 17। तो देखिए हमारे पास में क्या बनने वाली है कंडीशन, कंडीशन हमारे पास में बनने वाली है ए डॉट बी आ चुका है हमारे पास में 3, और मॉड बी आ चुका है हमारे पास में अंडर रूट 17। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन। ये हो गया है भाई हमारा प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, किस किस पर? ये है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये बेटा हमारा ए का प्रोजेक्शन बी पर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा नोट पॉइंट आप और ज़रूर लिख लीजिएगा बेटा,
ये जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी, देखो आप कुछ इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो मॉड बी है ये इसके अपॉन में ले जाओ, आप ले गए इसके अपॉन में, और बी वेक्टर को अगर उसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो बेटा वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आता है ना, देखो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है इस वैल्यू को मैंने लिख दिया है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को दिखाती है, इसे मैंने बी कैप लिख दिया है, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये भी हमारा प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है, ये जो कंडीशन है आपके पास में ये भी हमारा प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी हमारा प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर बन चुका है ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये भी हमारा प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है, या हम इसे नाम देते हैं स्केलर कंपोनेंट। कई बार एग्ज़ाम में ये स्केलर कंपोनेंट के नाम से भी आ जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई स्केलर कंपोनेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्या होता है स्केलर कंपोनेंट। तो बेटा प्रोजेक्शन का ही दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का ही दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे ये भी हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है और इसका दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। चलिए देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में आती है फाइंड प्रोजेक्शन और इसी प्रोजेक्शन का दूसरा नाम है बेटा हमारे पास में स्केलर कंपोनेंट। फाइंड प्रोजेक्शन स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये है बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में। हमें एक तो निकालना है प्रोजेक्शन और इसी प्रोजेक्शन का दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट, और जो वेक्टर्स हम लोगों को गिवन दे रखे हैं स्टूडेंट वो ये हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा है बेटा हमारे पास में वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये है बेटा हमारे पास में। फाइंड प्रोजेक्शन और स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना है, बी का प्रोजेक्शन कहाँ पर निकालना है, ए पर निकालना है, तो प्रोजेक्शन होगा हमारे पास में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ए डॉट बी लिख लो या बी डॉट ए लिख लो, ऑन ए पर निकालना है ना, तो ए को रख देंगे नीचे मॉड ए, और अगर हम चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अगर उसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ए कैप, ये हमारा ए कैप बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे बनेगी भाई हमारे पास में कंडीशन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को, सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ वन यहाँ टू टू, यहाँ वन यहाँ थ्री, ये हो गया थ्री, यहाँ वन यहाँ टू, ये हो गया टू, आंसर आ गया सेवन, बी डॉट ए इज इक्वल टू सेवन। अब हमें चाहिए मॉड ए की वैल्यू बेटा, देखो मॉड ए कितना आने वाला है, मॉड ए आएगा वन स्क्वायर वन वन स्क्वायर वन वन स्क्वायर वन, ये आ गया है अंडर रूट थ्री, बी डॉट ए आ गया है सेवन और मॉड ए आ गया है अंडर रूट थ्री। सो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि प्रोजेक्शन इज इक्वल टू सेवन अपॉन अंडर रूट थ्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन, ये स्टूडेंट हमारे पास में प्रोजेक्शन की वैल्यू होगी और इसके पीछे हम लोग लिख देंगे यूनिट, ये होगी हमारी प्रोजेक्शन की वैल्यू। और आप जानते हैं क्या बोलते हैं इसी प्रोजेक्शन को, इसी प्रोजेक्शन को बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, इसे हम स्केलर कंपोनेंट का नाम देते हैं स्टूडेंट।
उम्मीद है कि समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को बात। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल अब आप कर लेंगे। अगर ए पर निकालना है तो ए का मॉड नीचे रखेंगे, और अगर बी पर निकालना है तो बी का मॉड नीचे रखेंगे। ऐसे बनेगी बेटा आप लोगों की प्रॉब्लम, ठीक है? कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए बच्चों, मैं एक आप लोगों को ना बेटा प्रॉब्लम कराता हूँ। अभी कुछ साल पहले एक सवाल IIT JEE में पूछा गया था इस चैप्टर से, ठीक है? चलो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कैसे बनेगी प्रॉब्लम। बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत मतलब अच्छी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम है। बेटा 10th क्लास में रिफ्लेक्शन सभी लोगों ने पढ़ा होगा, भले ही तुम्हारे एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत सब लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है, एक लाइट की रे ऐसे आती है एक लाइट की रे ऐसे, ठीक है? और फिर ये लाइट की रे यहाँ से टकराकर ऐसे निकल जाती है। एक लाइट की रे ऐसे आती है, यहाँ से आती है और यहाँ से टकराकर ऐसे निकल जाती है। ये क्वेश्चन था हमारा, एक लाइट की रे ऐसे आ रही है, आई, टकराई और टकराने के बाद में ऐसे निकल गई। ये जो लाइट की रे आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर को, और ये जो लाइट की रे टकराकर जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बी वेक्टर को। समझ आ रही बेटा बात? और ये है हमारा परपेंडिकुलर, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही इक्वल होता है। जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, पता है आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। अब हमें गिवन देखो क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है हमारे पास में 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप। ये ए वेक्टर है बेटा हमारे पास में 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में माइनस के 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप। यह है दूसरा वेक्टर मेरे पास में। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ i, i की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। ये जो a वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंस लाइट को, इंसिडेंस लाइट रे को। और ये जो b वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रे को। समझ आ रही बेटा बात? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंस लाइट रे को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रे को। आई बताना है कितना होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, मैं कल की क्लास में ही डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि वेक्टर का बीच का जो एंगल होता है वो कब निकाला जाता है। वेक्टर्स के बीच का एंगल तब निकाला जाता है तब क्या तो दोनों एरो के साइन बाहर जाने चाहिए या दोनों एरो के साइन अंदर आने चाहिए। अब यहाँ इस डायग्राम को देखो कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एरो का साइन जा रहा है अंदर की तरफ और एक एरो का साइन जा रहा है बाहर की तरफ। ऐसे एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर एक एरो का साइन है अंदर, एक एरो का साइन है बाहर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एरो के साइन लेने पड़ेंगे, क्या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये जो येलो वाला एरो का साइन है ना बेटा, मैंने इसे बदल कर इधर कर दिया। ग्रीन वाला हमारा पहले से इधर था। अगर मैं इस येलो वाले को बदल कर इधर कर दूंगा, येलो वाले के एरो को अगर मैंने उल्टा कर दिया, तो पहले इस येलो वाले का नाम है ए वेक्टर, अगर मैंने इसे बदल दिया तो ये जो ए वेक्टर था ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये वेक्टर बन जाएगा वैसा माइनस के 1/√3 i कैप माइनस के 1/√3 j कैप। बेटा बहुत समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT JEE 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है? मैंने इसे माइनस कर दिया बेटा,
क्योंकि एरो के साइन दोनों बाहर की तरफ होने चाहिए, ये एरो अंदर है, ये एरो बाहर है, तो दोनों एरो होने चाहिए बाहर की तरफ, इसीलिए हमने इसका एरो रिवर्स कर दिया। जब इसका एरो रिवर्स किया तो एरो के रिवर्स करने का इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये जो ए वेक्टर था ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर नाम दे रखा था। अच्छा, दूसरा वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास में? बी वेक्टर है हमारे पास में ये, इसके साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये एज इट इज़ हमारा ऐसा ही है जैसा पहले था, माइनस के वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई कैप प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री जे कैप। और इनके बीच का ये पूरा एंगल कितना है, देखो इनके बीच का ये पूरा एंगल कितना है, ये आई और ये आई, ये पूरा एंगल हो गया हमारे पास में 2i। मैंने रिवर्स करने के बाद में इसे नाम दे दिया है p वेक्टर, और ये तो पहले से ही हमारा b वेक्टर था, ठीक है। अब इनके बीच हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए पहले हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। चलो भैया डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कितना होगा, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। आई के सामने है ये, इसके सामने है ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3, माइनस के 1/√3 माइनस के 1/√3 ये आ गया 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया माइनस के 1/3, कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, और डॉट प्रोडक्ट के 0 आने का मतलब ये है कि वेक्टर P और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये एंगल 90 का हो गया तो हम 2i को बराबर रख देंगे 90 के, 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री, और i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 45 डिग्री, यानी लाइट की जो रे है वो 45 डिग्री पर आकर इंसिडेंट हो रही थी, लाइट की जो रे है वो 45 डिग्री पर आकर इंसिडेंट हो रही थी। बेटा i हो जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, कैसे हमने i की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन में दो बातें आपको सीखने को मिली हैं, एक बात आपको बस दोनों ये समझ लो कि रिवाइज करने को मिली हैं आपको, ऐसे आप एंगल नहीं निकाल सकते हो। अगर एंगल निकालना है तो इस एरो के साइन को उल्टा करना पड़ेगा, हमने कर दिया एरो के साइन को उल्टा, जो प्लस था वो कैसा हो गया, माइनस, और दूसरे वाला हमारा एज इट इज़ रहा। जब हमने इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला तो बेटा वो डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारा जीरो के इक्वल, और डॉट प्रोडक्ट के जीरो के इक्वल आने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई निकल गया है हमारा 45 डिग्री। ये तरीका होगा बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट का जितना भी काम था हमारा वो हो गया है फिनिश। बेटा डॉट प्रोडक्ट का काम हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। मल्टीप्लाई करने का जो नेक्स्ट रूल है बेटा हमारे सामने, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तो बेटा हम इसे बोलते ही हैं वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के लिए, और वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आइए जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखो बेटा, जब हमें वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करके फाइनल आंसर भी वेक्टर ही चाहिए होता है, वेक्टर ही चाहिए होता है। अभी तक जो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करने पर आंसर नंबर आता था, यानी स्केलर आता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर में करके फाइनल आंसर भी वेक्टर ही आएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, एग्जांपल ये होगा, जैसे आप ये समझो, ये है हमारे पास में ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर, और इनके बीच में है क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी क्रॉस की वजह से हम इसे कहते हैं। तो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा ना बेटा हमारा R, ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा,
ये भी एक वेक्टर होगा हमारा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को निकालने का कंसेप्ट क्या है, ज़रा कंसेप्ट समझ लीजिए पहले आप क्या है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट ये है कि अगर कहीं बनता है आई क्रॉस आई तो ये कहलाएगा हमारा जीरो। जैसे पिछले वाली कंडीशन में क्या था, अगर कहीं बन रहा था आई डॉट आई तो वो वन कहलाता था, लेकिन यहाँ अगर कहीं आई क्रॉस आई बना तो ये जीरो कहलाएगा। अगर कहीं बनता है जे क्रॉस जे तो ये भी जीरो कहलाएगा। अगर कहीं बनता है के क्रॉस के, के क्रॉस के, तो बेटा ये भी बन जाएगा हमारा ज़ीरो। आई क्रॉस आई ज़ीरो, जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के ज़ीरो। इसके अलावा क्या सिचुएशन होगी, जैसे यहाँ है हमारे पास में आई, यहाँ है जे और यहाँ है के। ठीक है, मैंने ये तीन टर्म बना दिए बेटा आपके सामने। आपको एक एरो लेकर आना है आई से जे की तरफ, एक जे से के की तरफ और एक के से आई की तरफ। देखो ध्यान से, अगर आप i की मल्टीप्लाई j में करते हैं, i क्रॉस j आपका k बन जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर आप j की मल्टीप्लाई k में करते हैं, j क्रॉस k, j की मल्टीप्लाई k में करते हैं तो ये बन जाएगा आपका i। और अगर आप k की मल्टीप्लाई i में करते हैं, k की मल्टीप्लाई i में करते हैं तो ये बन जाएगा j। लेकिन अगर हम एरो की रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, एरो की रिवर्स डायरेक्शन में कैसे भाई, एरो तो आ रहा है आई से जे की तरफ, अगर मैं लिखता हूँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अगर मैं एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो बनेगा तो के ही, लेकिन माइनस के बनेगा। अगर आप एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के बनेगा बेटा। ऐसे ही आप यहाँ देखो, अगर आप के से जे की तरफ जाते हैं एरो की अपोजिट डायरेक्शन में, आप लिखते हैं के क्रॉस जे, तो बनेगा तो आई ही लेकिन माइनस में बनेगा। अगर आप एरो की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, आप लिखते हैं आई क्रॉस ए, तो बनेगा तो जे ही लेकिन माइनस में बनेगा। अगर आप एरो की डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस बनेगा, और सेम वैल्यूज आती हैं तो ज़ीरो बनेगा। और इसकी डेफिनेशन ये है कि वेक्टर की मल्टीप्लाई जब वेक्टर में करने पर फाइनल आंसर भी हमारा वेक्टर ही निकल कर आता है, तो बेटा वो हमारा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है स्टूडेंट। अब आपको अच्छे से अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें कर लेनी है नोट। जब हमारी कल की यानी ट्यूसडे की क्लास होगी तब मैं इस मेथड को बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराकर चल रहा हूँ वो अच्छे से अपनी क्लास वर्क कॉपी और अपनी होमवर्क कॉपी में आप ज़रूर नोट करें, और बाकी जो NCERT सीरीज आपकी चल रही है उसकी कॉपी अलग से बनाएं और उसमें सारे क्वेश्चंस आप नोट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।